हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह। आज आपके लिए हम वीडियो लेके आए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। पिछले वीडियो में हम कई कंपोनेंट्स के बारे आईसी इंजन के कई कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ कंपोनेंट्स और रह रहे हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्बोरेटर के बारे में कि कार्बोरेटर क्या है और ये कैसे काम करता है। जो पेट्रोल इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजनों में कार्बोरेटर का मेन काम होता है। डीजल इंजन में कार्बोरेटर यूज नहीं होता, ये पेट्रोल इंजन में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि जो इंजन, जब हम इंजन को चलाते हैं तो जो स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो जब सक्शन के टाइम पे इनलेट वाल्व खुलता है और उस टाइम इनलेट वाल्व से एयर आती है और कार्बोरेटर से फ्यूल आता है, पेट्रोल आता है, और एयर और पेट्रोल का ये मिक्सचर है वो कंबस्टन चैम्बर के अंदर वर्न करता है और उससे हमारा इंजन चलता है। अब देखें तो ये कार्बोरेटर है, ये इस तरह से होता है कि इसमें जो पेट्रोल है वो पूरा फिल्टर होके आता है और इसकी सेटिंग इस तरह की होती है कि इसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से ही कार्बोरेटर एंटर करता है। यानी इस तरह से उसकी सेटिंग कर दी जाती है कार्बोरेटर की कि उसमें जितनी मात्रा चाहिए उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेट्रोल इन करता है। और कार्बोरेटर में स्केवेंजिंग भी हो जाता है। ये क्या होता है कि जब हम गाड़ी को कहीं ठंडे एरिया में ले जाते हैं, हिल स्टेशन पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे इसमें अंदर बर्फ़ के कारण बहुत ज़्यादा ठंडा होने से हमारा हमारी गाड़ी उस टाइम काम नहीं करती। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हिल स्टेशंस वगैरह में होता है, इसके लिए क्या करते हैं कि गाड़ियों में एक चोक का यूज़ करते हैं, चोक लगाते हैं, जो कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो प्लेन में भी यूज़ कर लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो चोक है वो हम उस टाइम पे लगाते हैं जब बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर हो। और चोक का काम क्या होता है कि हम जब चोक को खींच देते हैं तो वो बाहर की जो ठंडी हवा है उसको वहाँ पर रोक देता है। और उसको रोकने के बाद जब हम चाबी लगा रहे होते हैं तो फ्यूल की मात्रा ज़्यादा चली जाती है और इससे क्या है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट जल्दी हो जाती है। दूसरा, कार्बोरेटिंग की सेटिंग करने के लिए एक थ्रॉटल वाल्व होता है, उसमें एक स्प्रिंग होता है और स्क्रू होता है। हम गाड़ी में पेट्रोल की सेटिंग करने के लिए उसको कम और ज़्यादा कर देते हैं तो उससे भी हमारा एवरेज सही आने लगता है, मतलब हमारी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो ठीक जाने लगती है और हमारा एवरेज अच्छा आ जाता है। साथियों, इस तरह से जो है, जो कार्बोरेटर है वो गाड़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो इसी के थ्रू, कार्बोरेटर के ही थ्रू, पेट्रोल और एक साइड से इनलेट वाल्व से एयर का मिक्सचर जाता है, तभी हम गाड़ी चलती है, तभी हमारी गाड़ी चलती है। और ये अगर 4 सिलेंडर की गाड़ी है तो चारों सिलेंडर के लिए सप्लाई भेजता है। एक सिलेंडर की गाड़ी है, मान लो 2 व्हीलर है, तो एक सिलेंडर के लिए भेजता है, तो सप्लाई जो है, एयर फ्यूल की सप्लाई जो है उसको आगे तक भेजता है और उसी के द्वारा
हमारी गाड़ी फंक्शन करती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स स्पार्क प्लग के बारे में। स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में यूज होता है और इसमें एक सेंटर में पूरा एक रॉड होता है, एक साइड में होता है, बीच में इंसुलेशन होता है और इसमें थ्रेडिंग भी हो रही होती है। जिस थ्रेडिंग से हम जहाँ पर इसे लगाना होता है वहाँ पर टाइट कर देते हैं। दूसरा, इसमें सेटिंग के लिए एक पॉइंट भी होता है जहाँ से इसको सेट किया जाता है। दूसरा, उसी साइड में जब अब कार्बन ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसको हटाने के लिए भी हम जो है उसको भी साफ़ करते हैं। वो मैं आपको उसका प्रोसेस मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जो हमारा स्पार्क प्लग है वो कैसे काम करता है और स्पार्क प्लग की क्या बनावट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें यानी कुछ एरिया इंसुलेटेड होता है और कुछ जगह पे थ्रेडिंग एरिया होता है। थ्रेडेड वो इसलिए होता है कि जहाँ पे हमें गाड़ी के अंदर कसना होता है वहाँ पे इसको आराम से कस देते हैं। और थ्रेडेड एरिया के ऊपर एक रबर का की स्लीप चढ़ी होती है, वो इसलिए होती है कि टाइट होने के बाद दोनों एरियाओं को वो पैक कर दे, सील कर दे। यानी इंजन में जब लगा देते हैं तो अंदर से कोई भी गैस, कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल, स्पार्क वगैरह या कोई गैसेस वगैरह बाहर नहीं निकलें, इसलिए उससे ये सील हो जाता है। जो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं एक साइड से होता है, एक सेंटर में होता है और बीच में यानी वो थोड़ा मुड़ा हुआ पोर्शन होता है जहाँ से कि वो जो गैप है यानी 0.03 से 0.02 से 0.03 mm तक गैप रखते हैं जो स्टैंडर्ड होता है। अगर उससे ज़्यादा है तो अभी सही नहीं है, अगर उससे कम है तो अभी ठीक नहीं है। तो इस तरह से यानी जो गैप है उसको मेंटेन किया जाता है। और ये स्पार्क प्लग है, जब हम किसी गाड़ी को हमें स्टार्ट करना होता है तो जिस जो केबल वाला एंड होता है उसको स्पार्क प्लग के पीछे की साइड में उसके लिए एक जगह बनी, एक पॉइंट बना रहता है। उस पॉइंट पे हम जो है उसको केबल को वहाँ पर लगा देते हैं। उसके लिए प्रॉपर प्लेस बना रहता है तो जहाँ पे वो आसानी से फंस जाता है। इसके बाद वो निकलता नहीं है और जितने हमारे स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, मानो 4 सिलेंडर का इंजन है तो 4 स्पार्क प्लग लगे होंगे, 3 का है तो 3 लगे होंगे। और हम जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी के स्टार्टिंग में हैं, ये जो है इससे करंट पैदा होता है। और जब पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता है तो इसके स्पार्क से वो बर्न्ड हो जाता है और पावर फिर इसमें पावर प्रोड्यूस होती है। स्पार्क प्लग केवल पेट्रोल इंजन के अंदर ही यूज होता है, इसका उपयोग डीजल इंजन में नहीं होता। डीजल इंजन के लिए इंजेक्टर का यूज होता है। तो स्पार्क प्लग अभी मैंने आपको बताया स्पार्क प्लग के मेन क्या क्या पार्ट्स हैं और स्पार्क प्लग गाड़ी के अंदर कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में। जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है ये जो है, जो डीजल की गाड़ियाँ होती हैं, जो डीजल इंजन होता है उसमें यूज होता है। और
जब हम गाड़ी के अंदर फ्यूल सप्लाई को भेजते हैं तो उसके अंदर इतने प्रेशर से नहीं सप्लाई पहुंच पाती जब तक हम उसमें पंप नहीं लगाएंगे। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का मेन काम होता है कि फ्यूल की सप्लाई को फोर्स के साथ आगे भेजना, इंजेक्टर तक भेजना। अब ये पंप जो है ये कैसे काम करता है कि इसमें जो है इम्पेलर लगे होते हैं। इम्पेलर एक स्पेशल टाइप का राउंड यानी गोलाकृति का होता है जिसमें एक एंगल पे जो लिक्विड है जो उसका यानी एक इसमें सक्शन होता है यानी एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ ऊपर डिस्चार्ज होता है। इसी तरह से फ्यूल एक तरफ से आता है, एक तरफ से उसका डिस्चार्ज निकलता है। तो पंप को जो है इस तरह से लगाते हैं कि फ्यूल की सप्लाई बिना इंटरप्शन के आराम से डीजल वहां तक पहुंच सके। फ्यूल पंप आजकल जो है पहले की तरह सिस्टम नहीं है, अब इसमें सेंसर्स का यूज किया जाता है कि जब जरूरत होती है तब फ्यूल पहुंचता है, जब जरूरत नहीं होती है उस टाइम फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है। यानी एज पर रिक्वायरमेंट ही, यानी फ्यूल की जब आवश्यकता होती है तभी जाता है और जब जरूरत नहीं होती है तो सेंसर उसको कंट्रोल रखता है और सप्लाई को बंद रखता है। इससे क्या होता है कि जो वेस्टेज है फ्यूल की वो बहुत ही कम होती है। तो जो फ्यूल ऑयल एट हाई प्रेशर इन ऑटोमाइज्ड कंडीशन थ्रू फ्यूल नोजल, जो फ्यूल नोजल है फ्यूल नोजल में जब तक हम प्रेशर से फ्यूल को नहीं भेजेंगे आगे नहीं जाएगा। और फ्यूल कम्बसन चैम्बर में जब तक धुएं के रूप में नहीं होगा यानी उसका स्प्रे बिल्कुल स्प्रे जैसा नहीं होगा तब तक वो कम्बसन चैम्बर में वर्न्ड नहीं होगा। इसलिए बहुत हाई प्रेशर के साथ इंजेक्टर के थ्रू कम्बसन चैम्बर में भेजा जाता है। इसलिए हमें फ्यूल इंजेक्शन पंप की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताऊंगा साथियों कि फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप हो गया, अब फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है। टू ब्रेक अप द ऑयल इनटू फाइन स्प्रे, यानी जो डीजल है उसको बिल्कुल फाइन स्प्रे करके आगे भेजता है, उसको इंजेक्टर कहते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। एक एंड पे एक बड़ा होल होता है जहाँ पे टाइट किया जाता है उसको और जहाँ से डीजल पंप के थ्रू उसमें अंदर जाता है। वो काफ़ी फोर्स से जाता है और जो उसके होल होते हैं उनसे डीजल फुवारे के रूप में आगे निकलता है। अब क्या है कि आजकल जो है MPFI यानी मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, यानी आजकल जो है मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ये भी है कि इनके द्वारा इनका यूज हो रहा है। अब जो है एक ही पंप लगाना होता है और पूरे चार अगर हमारे नोजल लगे हुए हैं या हमारे छह लगे हुए हैं तो छह को वही एक सप्लाई कर देता है। MPFI सिस्टम ये पूरा का पूरा सेंसर्स कंट्रोल होता है। यानी MPFI में जो पूरा सेंसर्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, जो एक्सेस ऑयल होता है वो सेंसर्स वापस भेज देते हैं टैंक के अंदर। जो यूज जितनी क्वांटिटी यूज होनी होती है वही क्वांटिटी यानी इंजेक्टर के अंदर जाती है।
और इंजन में अब कई जगह पर सेंसर यूज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है, पहले की तरह नहीं है। पहले पूरा पूरा मैकेनिकल ही था, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है और अब इलेक्ट्रॉनिक कम मैकेनिकल है। तो इस तरह से जो MPFI है, यानी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में अब प्रॉब्लम भी बहुत कम आती है और अब इसमें चांसेस जो है वेस्टेज के भी बहुत कम हैं। इस तरह से हमारी गाड़ी, जो डीजल की गाड़ियां हैं, उनमें सर्दी के दिनों में भी चलाने में प्रॉब्लम नहीं आती, लॉन्ग टाइम तक खड़ी रहें तो भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जितनी पहले आती थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जो मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, वो हमेशा अपना काम बहुत अच्छी तरह करता है। और ये मेन अच्छी चीज़ ये है, बहुत अच्छी, कि इसमें ये सेंसर से कंट्रोल होता है। तो साथियों, आज हमने बताया आपको कार्बोरेटर के बारे में, कि कार्बोरेटर क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। स्पार्क प्लग के बारे में बताया कि स्पार्क प्लग क्या है, इसके क्या पार्ट्स हैं और ये कैसे काम करता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में बताया कि फ्यूल इंजेक्शन पंप कैसा है, होता है, कैसे काम करता है। फ्यूल इंजेक्टर के बारे में आपको बताया कि फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है तो इसको लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके सजेशंस का ध्यान रख सकूं। ये जो है ऑटोमोटिव क्लास 9th का सिलेबस है CBSE का, मैं वैसे इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, तो आप मुझे अपने अमूल्य सुझाव जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।